हम आपको बता रहे हैं लंच से पहले अब तक के क्विक अपडेट्स, कुछ मिनटों में आपको बताएंगे देश दुनिया की अब तक की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग हिमाचल में 15 नवंबर से पहले चुनाव करा सकता है। इसके बाद वहां मौसम के चलते चुनाव में दिक्कतें आ सकती हैं। हिमाचल में 68 तो गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें इटालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माँ के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इटालिया के अब तक 3 वीडियो सामने आ चुके हैं। सभी वीडियो में उन्होंने पीएम मोदी और उनकी माँ के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर इटालिया का वीडियो शेयर कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। हरियाणा के नूह में खनन के दौरान चट्टान गिरने से 7 मजदूर दब गए, इनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। खबर के मुताबिक 10 से ज्यादा गाड़ियां भी चट्टान नीचे फंसी हुई हैं। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए देर रात से ही बचाव कार्य जारी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 36 दिन पूरे हो गए। कर्नाटक में यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चित्रदुर्ग में पानी की टंकी पर चढ़कर तिरंगा फहराया और कुछ देर बाद में नीचे उतरा। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार भी मौजूद थे। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।